इस किताब को प्रकाशित किया गया है। दिस बुक ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में हैव हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दिस बुक हैज बीन प्रकाशित किया के लिए पब्लिश्ड। दिस बुक हैज बीन 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 पब्लिश्ड। उसने है साबित कर दिया है। ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या एक्टिव वॉइस है। सी हैज साबित कर देने का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड यह के लिए दिस। सी हैज प्रूव्ड दिस। सी हैज प्रूव्ड दिस। सी हैज प्रूव्ड दिस। सी हैज प्रूव्ड दिस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस रचना हैव हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह साबित हो गया है। दिस हैज बीन प्रूव्ड। 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 मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव यूज्ड दिस। 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 यह प्रयोग इसका प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है या इसका इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल किया गया है। इसका पैसिव वॉइस है। ये हैव हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका दिस हैज बीन यूज्ड। 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 अभी आपको वीडियो पॉज करना है और इन पांचों सेंटेंसेस की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। आपकी कोशिश आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है। आपकी रिकॉर्डिंग आपको फिर से चेक करनी है। उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है, क्या कहाँ पर सुधारणाएँ किए जा सकते हैं, इस तरह से सोच कर फिर से कोशिश करनी है। फिर रिकॉर्डिंग करनी है, फिर रिकॉर्डिंग चेक करनी है, फिर कोशिश करनी है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है। इस तरह से 5-6 बार कोशिश करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है परफेक्टली एक अच्छी तरह से फ्लुएंटली आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, इस पर जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे, तो फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए। देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ। दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड। सी हैज प्रूव्ड दिस। दिस हैज बीन प्रूव्ड। आई हैव यूज्ड दिस। दिस हैज बीन यूज्ड। इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। इसी पन्ने पर और दो सेंटेंसेस है, उसे भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए उसने यह किया है, यह किया गया है। ऊपर का सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, नीचे का सेंटेंस पैसिव वॉइस है। यहाँ पर भी ये हैव हैज और वित्री एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैव हैज बीन और वित्री एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। देखिए उसने यह किया है। सी हैज डन दिस। 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 दिस हैज बीन डन। दिस हैज बीन डन। This has been done. This has been done. This has been done. This has been done. इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। देखिए इसके निचले हिस्से पर ये सभी सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी में दिए हुए हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी सिर्फ हमारी सहायता के लिए है। हमें लेकिन डायरेक्टली अंग्रेजी न पढ़ते हुए हिंदी की ओर देखते हुए ही हमारी कोशिश हमें जारी रखनी है। This book has been published. She has proved this. This has been proved. I have used this. This has been used. She has done this. This has been done. हमारी जो किताब है ये स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें भी जानकारी दें कि वो भी हमारे वीडियोज़ देखते रहे, वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।